MSRTC महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और मराठी में महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल कहा जाता है। आज हम इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि इनकी एक दिन की कमाई कितनी होती है, पूरे कॉरपोरेशन का मालिक कौन है, इसके जरिए एक दिन में कितने लोग सफर करते हैं, इसमें कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, हमारा चैनल सबसे ज्ञानवर्धक चैनलों में से एक है, इसलिए वीडियो पूरा देखना जरूरी है ताकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, MSRTC पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से जुड़े हुए राज्यों में, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना में बिछाई गई बसों की श्रृंखला है। इसका मालिक खुद महाराष्ट्र सरकार है। पहले इसका नाम BSRTC था। BSRTC यानी बॉम्बे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। बाद में राज्य के पुनर्गठन के साथ इसका नाम बदलकर MSRTC कर दिया गया। इसकी सबसे पहली बस, जो कि सफ़ेद और नीले रंग की थी, पुणे से अहमदनगर के लिए उड़ान भरी। तब उपयोग में आने वाली 10 बसें इनके पास मौजूद थी। शेवरलेट, फोर्ड, बेडफोर्ड, सेडॉन, स्टडबेकर, मॉरिस कमर्शियल, एल्बियन, लीलन, कॉमर और फिएट। चालू समय में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के पास कुल 18,449 बसें मौजूद है, जिसमें AC, नॉन AC, शिवशाही, यशवंती, लालपरी आदि बसें मौजूद है। इन सारे बसों के जरिए MSRTC प्रतिदिन 8.7 मिलियन यात्रियों को ले जाती है, यानी कि लगभग 87 लाख यात्री एक दिन में यात्रा करते हैं, और इसमें कुल मिलाकर 1,07,000 कर्मचारी काम करते हैं। लॉकडाउन के समय में MSRTC ये एकमात्र ऐसा सरकारी निगम था जिसे सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। करीबन 2 साल तक सारी की सारी 18,449 बसें एक जगह पर खड़ी थी। लॉकडाउन से पहले MSRTC के ऊपर 3,500 करोड़ का कर्जा था। पिछले 2 सालों में लॉकडाउन के दौरान सेवाओं के बंद होने से कर्ज का बोझ बढ़कर 9,500 करोड़ हो गया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें।